हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शहरयार। तो दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने लो एंड पीसी के अंदर फ्री फायर गेम को कैसे खेल सकते हैं। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग विदाउट एमुलेटर के अपनी फ्री फायर गेम को कैसे खेल सकते हैं अपने लो एंड पीसी के अंदर। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोगों को कुछ 5 ऐसे एमुलेटर्स दूंगा जो लो एंड पीसी के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, जिनके अंदर आप लोग फ्री फायर गेम को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंगली खेल सकते हैं। तो वो 4 तो इनमें से बहुत आला है, और जो 5वां है ना, वो तो बना ही सिर्फ फ्री फायर गेम के लिए। तो आप लोगों ने करना क्या, एक तो वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आप लोग उस एमुलेटर को भी देख सको, और उसके अलावा आप लोग यार नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं आप GTA 5 का सेम गेम लेके आने वाला हूँ, एकदम लाइट वर्जन GTA 5 का। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन लाजमी दबा देना। तो चलो, अब हमने जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, जो हमारा नंबर 1 पे एमुलेटर आता है, उस एमुलेटर का नाम है वाकुओ। तो आप लोगों को नीचे स्पेलिंग वगैरह मिल रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, लो एंड पीसी में आराम से चल जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास 2GB रैम होनी चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड 512MB का हो ठीक है, अदरवाइज चल जाएगा, और उसके अलावा डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए। ये आप लोगों के सिस्टम के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेता है, खुद को स्टेबल कर लेता है आपके सिस्टम के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर ये फीचर भी है कि आप लोगों को की मैपिंग वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लोग इसके अंदर फ्री फायर गेम को ईजिली खेल सकते हैं। और आप लोगों ने करना क्या, ये इतना खास हैवी भी नहीं है, 900MB का इसका साइज़ है लगभग, और इसके अंदर आप लोग काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन इसमें फ्री फायर, पबजी लाइट, ये दो गेम्स इजीली आराम से चल जाएंगे आपके लो एंड पीसी के अंदर। जैसा कि आप लोग इसका गेम प्ले देख ही पा रहे हैं, ये बिल्कुल, यानी कि इसका की मैपिंग वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपल डाउनलोड करना है, गेम को डाउनलोड करना है इसके अंदर प्ले स्टोर में जाके, और इन्जॉय करना है। तो गाइस, जो हमारा नंबर 2 पे एमुलेटर आता है, उस एमुलेटर का नाम है SGNL फॉर फ्री फायर। आप लोग जब ये गूगल पे सर्च करेंगे इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, अगर नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके डाउनलोड करो, सुकून से आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप लोग फ्री फायर गेम को बिल्कुल स्मूथ लो एंड पीसी के ऊपर आराम से चल जाएगी, क्योंकि ये बना फ्री फायर के लिए। और उसके अंदर एक खास बात इसकी और है कि इसके अंदर आप लोगों को फ्री फायर पहले से इंस्टॉल्ड मिल जाएगी, और जिसके लिए डाउनलोड का इंटरनेट, यानी कि आप लोगों को कितना चाहिए, कितने MB का है, तो इसके लिए 1GB का एमुलेटर है। अब आप लोग कहोगे 1GB का क्यों है, 1GB का इसलिए है क्योंकि 1GB का इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को फ्री फायर पहले से इंस्टॉल्ड मिल जाती है, आप लोगों को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर आप लोग, ये इसका इंटरफेस, इसके अंदर आप लोगों को पहले से फ्री फायर इंस्टॉल्ड मिल जाती है। 2GB रैम, 512MB ग्राफिक्स कार्ड हो या ना हो कोई नहीं, कोई बात नहीं है, खैर है। डुअल कोर प्रोसेसर, लेकिन डुअल कोर से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम भी डुअल कोर होना चाहिए उसके अंदर, ये आराम से चल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका इंटरफेस है। अब हमने जल्दी से इसके अंदर एक बार मैं आप लोगों को फ्री फायर भी थोड़ी सी इसके अंदर ऑन करके दिखा देता हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को की मैपिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, की मैपिंग भी खुद ब खुद हुई भी होती है। और यार, ये थोड़ा बहुत इसके अंदर एड्स वगैरह आएंगे, उसको आप लोग इग्नोर करना। तो चलो, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं आगे। तो गाइस, जो हमारा नंबर 3 पे एमुलेटर आता है, उस एमुलेटर का नाम है BlueStacks X Cloud। ये इसके अंदर आप लोगों को ये एमुलेटर डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, इसके लिए आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। होना क्या चाहिए, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पुराना PC या लैपटॉप है, उसके अंदर 2GB रैम, 1GB रैम है, 512MB का ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं है, डुअल कोर प्रोसेसर है या नहीं है, बस आपके PC के अंदर क्रोम इंस्टॉल होना चाहिए, आप लोग इसके ज़रिए एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। अब आप लोगों ने कैसे करना है, उसके लिए आप लोग YouTube पे भी वीडियो चेक कर सकते हैं कि BlueStacks X का ट्यूटोरियल, अगर नहीं तो उसके अलावा आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। और लेकिन अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं, इंस्टॉल करने की तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोग इनकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, और वहां से आप लोग चेक कर लेना। तो गाइस, जो हमारा नंबर 4 पे एमुलेटर आता है, उसका नाम है GTArcade। तो जैसा कि आप लोग इसका इंटरफेस देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर आप लोगों को प्ले स्टोर मिल जाता है, आप लोग कोई भी गेम डाउनलोड इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन ये एमुलेटर ज़्यादा बना हुआ है बड़ी गेम्स के लिए, जैसे PUBG हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, तो ये फ्री फायर इसके अंदर चल जाएगी। लेकिन वो जो है ना, इसके लिए थोड़ी सी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आई हैं, आप लोगों के पास 3GB रैम होना चाहिए, 512MB का ग्राफिक्स कार्ड मस्ट होना चाहिए, और उसके अलावा आप लोगों के पास डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आई हैं, तो आप लोग देख पाना। तो आप लोगों का अगर PC इतना है तो आप लोगों के पास इजीली चल जाएगा, इसके अंदर भी कोई की मैपिंग का वो इशू वगैरह नहीं है। तो गाइस, हमारा जो लास्ट एमुलेटर आता है, वो उस एमुलेटर के नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा, फ्री फायर गैरिना स्मार्ट। तो इस एमुलेटर के अंदर आप लोग फ्री फायर गेम को खेल सकते हैं, क्योंकि ये एमुलेटर बनाया ही फ्री फायर गेम के लिए गया है। अब वो कैसे, क्योंकि आप लोगों को इसके अंदर फ्री फायर गेम पहले से इंस्टॉल्ड मिल जाती है। इसका साइज़ जो है ना, लगभग 2GB का है, लेकिन इसके ये आप लोगों के 2GB रैम PC के अंदर स्कूल से चलेगा,
और इस एमुलेटर के अंदर आप लोगों को फ्री फायर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्री इंस्टॉल गेम है इसके अंदर आप लोगों के पास फ्री फायर की। और इसके अलावा आप लोगों के इस एमुलेटर के अंदर फ्री फायर की जो भी अपडेट आएगी वो ये खुद ब खुद आप लोगों को बताएगा, आप लोग वहीं से अपडेट कर देंगे। कोई इतना खास ये हैवी एमुलेटर नहीं है, आराम से आपके पीसी के अंदर चल जाएगा। तो ये आप लोग इसका इंटरफेस देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को की मैपिंग वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर पहले से कस्टमाइज है। आप लोगों ने सिंपल जाना है, इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद अपने पीसी के अंदर रन करना है और फ्री फायर गेम को एंजॉय करना है। लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ये एमुलेटर सिर्फ फ्री फायर के लिए बना हुआ है, इसके अंदर कोई और गेम बिला वजह के यानी कि ना ट्राई करना, क्योंकि वो नहीं चलेगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी, अगर इंफॉर्मेटिव रही हो तो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में फिर भी लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग चाहो तो फ्री फायर को विदाउट एमुलेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी चेक कर सकते हैं वीडियो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।